हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं बिजनेस करना है फीलिंग के साथ, बिजनेस करना है काम करना है फीलिंग के साथ, काम करना है, काम करना है दिल लगा के काम करना है, काम करना है पूरे दिल में, अपने दिलो दिमाग में ड्रीम लाइफ को बैठा के काम करना है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अपना दिल से बिजनेस को कर रहे हैं, आप मजबूरी में कर रहे हैं कि आप भी ऑनेस्ट है अपने दिल से, अपने पूरे दिलो दिमाग से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं? अगर आप इस बिजनेस को पूरे दिल के साथ करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ड्रीम लाइफ से प्यार हो जाएगा, तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा अचीवमेंट, बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा कामयाबी, बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिल सकता है। क्योंकि आज क्या होता है, हम अपने काम से मोहब्बत नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ड्रीम लाइफ ज्वाइन करते हैं, करने के बाद प्यार जो होना चाहिए, मोहब्बत जो होना चाहिए, लगाव जो होना चाहिए, दिल जो लगना चाहिए, वो नहीं लगा पाते ड्रीम लाइफ के साथ। इस वजह से ज्यादातर लोग आज छोड़ के चले जाते हैं। एक बार दिल लगा लीजिए ड्रीम लाइफ से, एक बार मोहब्बत करना स्टार्ट कर दीजिए ड्रीम लाइफ से, एक बार आप शिद्दत से चाहना स्टार्ट कर दीजिए ड्रीम लाइफ को, देखिएगा आपका काम, आपका बिजनेस एक अलग लेवल पे, एक अलग जगह पे ग्रोथ पे जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग ड्रीम लाइफ कर रहे हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग, इंस्टाग्राम, इसमें पूरा व्यस्त है और बोलते हैं मैं ड्रीम लाइफ करता हूँ। सोशल मीडिया में मैं देखा आज के डेट में एक व्यक्ति आज सात सात अठ अठ घंटे घंटे सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, अदर एक्टिविटी करते हैं और बोलते हैं मैं ड्रीम लाइफ से मोहब्बत करता हूँ, ड्रीम लाइफ से प्यार करता हूँ, ड्रीम लाइफ में सक्सेस करूंगा, ड्रीम लाइफ में कामयाबी चाहता हूँ, ड्रीम लाइफ में बड़ा लीडर बनना चाहता हूँ। आप अपनी ड्रीम लाइफ से मोहब्बत ही नहीं करते, आप तो किसी अदर जगह से। तो कहने का मतलब क्या है, आप अपने काम से प्यार कीजिए, इस काम को दिल लगा लीजिए, बोले दिल लगा लीजिए ड्रीम लाइफ से, आपको ड्रीम लाइफ इतना बड़ा सक्सेस देगा, इतना बड़ा सक्सेस देगा, इतनी बड़ी कामयाबी देगी जिसकी आपने कल्पना तक नहीं किया। तो पहला चीज, अपने काम से प्यार कीजिए। मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मुझे ड्रीम लाइफ से प्यार है, मैं ड्रीम लाइफ से हार्ट टचिंग, जिसको बोलते हैं ट्रू लव, जिसको बोल सकते हैं आज की डेट में, राइट? तो वो ट्रू लव आपको होना चाहिए ड्रीम लाइफ के साथ, राइट? उसके साथ साथ दूसरा चीज, अपने काम को गर्व के साथ कीजिए। यस, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं जो काम करता हूं मुझे गर्व है। बहुत सारे लोग डरते हैं, छिपाते हैं, बोलने के लिए झिझकते हैं, शर्माते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। यार, हम एक डायरेक्ट सेलर हैं, हम एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हैं, एसोसिएट हैं, हम क्यों शर्माएं अपने प्रोफेशन से? एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन से नहीं शर्माता, आई एम ए डॉक्टर। एक पुलिस अपने प्रोफेशन से नहीं शर्माता, मैं बोलता मैं एक पुलिस मैन हूं। हर एक प्रोफेशन में मैंने देखा है कोई अपने प्रोफेशन से नहीं शर्माता। दोस्त, तो आप अपने प्रोफेशन से क्यों शर्मा रहे हैं? आप अपने काम पे प्राउड कीजिए। यस, आई एम डायरेक्ट सेलर, यस आई एम ड्रीम लाइफ के एसोसिएट। अपने काम को गर्व के साथ कीजिए। यस, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, यस मैं एक नेटवर्क मार्केटर का लीडर हूँ, एसोसिएट हूँ। अपने काम को गर्व के साथ कीजिए, प्राउड कीजिए अपने काम में, प्राउड फील होना चाहिए अपने बिजनेस में, यस मैं ड्रीम लाइफ करता हूँ। बहुत सारे लोगों को कोई पूछता है कि भाई तुम क्या करते हो, मैं बोलता हूँ मैं प्रोडक्ट सेलिंग बेस में काम करता हूँ, मैं एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेके काम करता हूँ, या मैं कॉस्टिंग को लेके काम करता हूँ, या हेल्थ सप्लीमेंट। अरे दिल से बोलिए मैं ड्रीम लाइफ करता हूँ, आई एम ड्रीम लाइफ एसोसिएट, मैं ड्रीम लाइफ के एसोसिएट हूँ, आई एम डायरेक्ट सेलर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। प्राउड कीजिए अपने काम पे, मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसा प्रोफेशन में हूँ जो लाखों लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। मैं कैसे प्रोफेशन में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, जो लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ, लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, लोगों को हेल्थ दे रहा हूँ, लोगों को एग्रीकल्चर दे रहा हूँ, लोगों को स्किल सिखा रहा हूँ। यस, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं गर्व करता हूँ अपने बिजनेस में। अपने काम को गर्व के साथ कीजिए। आप गर्व कीजिए कि आप ऐसा प्रोफेशन में है जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को पार्टनर है, आप ड्रीम लाइफ के एसोसिएट हैं। अपने काम पे, अपने प्रोफेशन पे प्राउड कीजिए, गर्व कीजिए। अगर आप बिजनेस में बड़ा कामयाबी, बड़ा सक्सेस, बड़ा लीडर, बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, अपने काम में प्राउड ऑफ फील कीजिए। यस, मैं अपने काम में गर्व करता हूँ, यस मैं अपने काम को प्राउड करके साथ करूंगा, यस मैं अपने काम को पूरी गर्व के सीना चौड़ा करके मैं काम करूंगा कि एक ऐसा प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे 100% लोगों की मैं जिंदगी बदलने का काम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने काम में गर्व करना पड़ेगा, प्राउड करना पड़ेगा, प्राउड फील करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग को शर्म आता है बताने में मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, बहुत सारे लोग को झिझक लगता है
बहुत सारे लोग शर्माते हैं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ड्रीम लाइफ करता हूँ, ये करता हूँ, वे करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, एमएलएम करता हूँ, ये वो बहुत सारे बातें। अरे भाई, आप एक ऐसा प्रोफेशन में है जो आने वाला टाइम का, आने वाला फ्यूचर है इंडिया का, नहीं पूरा वर्ल्ड की फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लोगों को सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लाने वाला, सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा इनकम देने वाली, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली, सबसे ज्यादा आज जीडीपी को, हमारी आज हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रोथ कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक ऐसा प्रोफेशन में है आप, तो अपने काम को गर्व के साथ कीजिए। अगर आप अपने काम को गर्व के साथ करेंगे, प्राउड फील करेंगे, तो काम करने में मजा आता है यार। और अगर बोझ समझ के करेंगे ना, तो मजा नहीं आता यार काम करने में। तो गर्व के साथ कीजिए, बिंदास होकर कीजिए, प्राउड फील के साथ कीजिए। यस, आई एम ए ड्रीम लाइफ एसोसिएट, आई एम ए ड्रीम लाइफ लीडर, यस आई एम डायरेक्ट सेलर, यस आई एम नेटवर्क मार्केटर लीडर एसोसिएट। तो अपने काम को गर्व के साथ करना है दोस्तों आप सबको, उसके साथ साथ राइट बात करते हैं, अपने काम में 100% बिलीव रखिए, 100% बिलीव रखिए, 100% विश्वास रखो। बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लिए, ड्रीम लाइफ को ज्वाइन कर लिए, बट आज भी कहीं ना कहीं बिलीव जो होना चाहिए 100%। बहुत अच्छा सारे ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपको बिलीव 90% है तो वो सिर्फ 10% कहलाएगा, अगर आपको बिलीव 95% है तो 5% कहलाएगा, अगर आपका बिलीव 99% है फिर भी आपका सक्सेस नहीं करेंगे, अगर आपका बिलीव 99.99% है फिर भी आप बिलीव सक्सेस नहीं करेंगे, अगर आपका बिलीव इस प्रोफेशन में, अगर आपका भरोसा ड्रीम लाइफ में 100% है तो 110% आप सक्सेस करेंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो बिलीव करना पड़े आपको, 100% बिलीव करना पड़ेगा ड्रीम लाइफ के ऊपर, 100% भरोसा करना पड़ेगा इस बिजनेस के ऊपर, 100% बिलीव करना पड़ेगा इस लीडरशिप के ऊपर, 100% बिलीव करना पड़ेगा इस बिजनेस प्लान के ऊपर, 100% बिलीव करना पड़ेगा खुद के ऊपर। अपने काम पे 100% विश्वास रखो कि आप जो काम कर रहे हैं, आप ड्रीम लाइफ कर रहे हैं कि ड्रीम लाइफ में बहुत बड़ी करियर आपका बनेगा, बहुत बड़ा जिंदगी आपका बनेगा, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, आपका जिंदगी बदलेगा, आपका लाइफ चेंज होगा, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, आपका जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है, आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंजेस आने वाला है, आप बड़ा इनकम करने वाले, बड़ा लीडर बनने वाले, बड़ा अचीवमेंट आप करने वाले, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस, बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाला है, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा यस इसी काम से मुझे मिलेगा। अगर आपको इस काम, इस प्रोफेशन पर भरोसा नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा 50-50% है या 60-40% है या 70-30% है या 80-20% है तो नहीं हो पाएगा। बिलीव करना पड़ेगा 100%, यस 100% मुझे प्रोफेशन में बिलीव है, 100% अपने काम में बिलीव है, 100% मुझे भरोसा है कि 100% मैं ड्रीम लाइफ में सक्सेस करूंगा। बहुत सारे लोग को रिजेक्शन आता है, लोग मना करते हैं, नेगेटिविटी आता है, कोई इनवाइट करने जाएगा, कोई इनविटेशन मना कर दिया, कोई प्लान हो दिखाया, फीडबैक किया, फॉलो अप किया, ज्वाइनिंग नहीं आया, तो बिलीफ, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो बिलीफ प्रॉब्लम है, धीरे-धीरे क्या होता है, डाउन होने लगता है, धीरे-धीरे डाउन होता है। तो अगर डाउन हो रहे हैं तो याद रखिए आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, आपका भरोसा 100% नहीं है। आप जितना भरोसा अपने मम्मी पापा के ऊपर करते हैं, आप जितना भरोसा अपने माँ बाप के ऊपर करते हैं, वही भरोसा आज आपको सीनियर लीडर और आपको ड्रीम लाइफ पे करना पड़ेगा। यस, के माँ बाप मेरा कभी बुरा नहीं चाह सकते, तो ड्रीम लाइफ फैमिली, ड्रीम लाइफ मैनेजमेंट, ड्रीम लाइफ लीडर्स कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकते। 101% नहीं, 110% मेरा सक्सेस मिलेगा, 110% मैं ड्रीम लाइफ में बड़ा करियर, बड़ा अचीवमेंट, बड़ा लेवल, बड़ा लीडर, बड़ा बिजनेस मैं करूंगा। राइट, आगे लेके चलते, अपने काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, डेडिकेशन के साथ करें। आज मैं देखता हूं बहुत सारे एसोसिएट, बहुत सारे लोग होते हैं, एडमिशन लिया, ज्वाइन किया, काम स्टार्ट किया, ढीला ढीला काम करते हैं, कभी ट्रेनिंग में आएंगे, कभी डिस्कशन में आएंगे, कभी प्लान दिखाएंगे, कभी इनवाइट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो यार एक चीज बताइए, एक स्कूल का स्टूडेंट टॉप कब करता है, जब वो टॉप होने के लिए पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, पूरा लगन के साथ पढ़ता है, पूरा डेडिकेशन देता है, ऑनेस्टली वो पढ़ाई करता है 8 घंटा 12 घंटा, तब जाके 90%, 95%, 99%, 100% एटलीस्ट आता है। क्यों आता है? यो पूरा लगन के साथ काम करता है। देखिए, आप ड्रीम लाइफ ज्वाइन किए, फॉर एग्जाम्पल ड्रीम लाइफ ज्वाइन करके सक्सेस आपको मिल जाएगा तो आप बहुत गलत सोच में है, आपकी सोच गलत है, आप बहुत गलत सोच रहे हैं, आप
सोच को बदलिए। अरे ज्वाइन करने से सक्सेस नहीं मिलता, ज्वाइन करके पूरी पागलपन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पूरी जो जुनून, एक्साइटमेंट, पागलपन, पूरी डेडिकेशन के साथ भिड़ के मार्केट में काम करने से सफलता मिलती है। स्कूल में लोग एडमिशन लेने से टॉप में नहीं जाता, एडमिशन लेने के बाद लगातार कंटिन्यू वो रेगुलर स्कूल जाता है, रेगुलर पढ़ता है, रेगुलर वो एग्जाम को तैयारी करता है, व्यापम की तैयारी करता है, हर एक चीज की तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है पूरा, तब जाके टॉप करता है। तो आप ज्वाइन ही करने से सक्सेस आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं है। आप ज्वाइन कर लिए ड्रीम लाइफ, एडमिशन किए, ज्वाइन किया, उसके बाद आपको जो करना है, आपके काम में पूरी ईमानदारी दिखाना है, आपके काम में पूरी डेडिकेशन दिखाना है, आपके काम में पूरी लगन दिखाना है, आपको जुनून दिखाना है, आपके लीडर को लगना चाहिए कि ये फलाना एसोसिएट, ये नाम का लड़का लड़की अपने काम में पूरा झोंक गया है, पूरा ऑनेस्ट काम करता है, पूरा डेडिकेटेड होकर काम करता है, पूरा पागलपन से काम करता है, तब आपको लगेगा, तब आपको सफलता सक्सेस यहां से मिलेगी। अपने काम को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ डेडिकेशन के साथ करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ढीला ढीला काम करते हैं, कभी आएंगे कभी नहीं जाएंगे, एक हफ्ता में एक दो प्लान दिखा लिए, हफ्ता में दो चार इनवाइट कर लिए, हफ्ता में दो चार लोगों से मिल लिए, बोलते हैं मैं बहुत कुछ कर लिया। अब नहीं यार, आप अपने दिल से पूछे, मैं सबसे एक सवाल करता हूं, बी ऑनेस्ट, अपने दिल से पूछेगा आज जितना मेहनत कर रहे हैं आप जितनी डेडिकेशन है आपका, ऑनेस्ट है, ईमानदारी साथ काम करें, क्या इतनी मेहनत करने से आपको सक्सेस आज मिल जाएगा? अगर आपका जवाब ना है तो ऑनेस्ट आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, काम बढ़ाना पड़ेगा, पागलपन बढ़ाना पड़ेगा, जोश जुनून एक्साइटमेंट डेडिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। बात बड़ा सिंपल है, अपने काम को पूरा ईमानदारी के साथ कीजिए, पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए, पागलपन के साथ कीजिए, पूरी झोंक दीजिए, पूरा अपना मेहनत 100% झोंक दीजिए अपने काम में, 100% भी ऑनेस्ट हो जाइए, सीरियसली हो जाइए, पूरा डेडिकेशन के साथ कीजिए, फिर देखिए आपका काम आज जो धीरे 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 हो रहा है, इतना फास्ट होने लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। आप सोच रहे हैं मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, आप सोच रहे हैं मेरा बिजनेस कब ग्रोथ होगा, आप सोच रहे हैं मेरा अचीवमेंट कब होगा, आप सोच रहे हैं मेरा लेवल कब होगा, आप सोच रहे हैं मेरा अचीवमेंट कब होगा, जब आप ठान लोगे, आप ठान लोगे कि इस दिन होगा, इस तारीख को होगा, उस दिन जरूर होगा, राइट। आगे लेके चलो, पांचवा चीज, अपने काम में डूब जाइए। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा नौशाद अली का, एक बहुत बड़ा संगीतकार हुए अपने जमाने में, एक बहुत बड़ा संगीतकार हुए, संगीत के जगत में नायाब हीरा जिसको बोला जाता है। जब वो गाना गाते थे, राइट, सिगार पी रहे हैं, उंगली के बीच में सिगार पी रहे हैं, गाना का ध्यान कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उंगली के बीच की जगह जली हुई है, फिर भी गाना गा रहे हैं, धुन में लगे हैं, उनको पता नहीं कि हाथ का उंगली जल गया, गाना इतना लीन हो गए हैं, गाना गाने में इतना लीन हो गए, इतना लीन हो गए हैं, इतना लीन हो गए हैं कि उनको दर्द, उनको चोट, उनको तकलीफ पता नहीं चल रहा है। एक मुसलमान भाई अपने अल्लाह का नमाज पढ़ रहा था, एक रास्ते में नमाज पढ़ रहा था, चादर बिछा के नमाज पढ़ रहा था, एक लड़की भागते भागते दौड़ते दौड़ते गुजरी और उस मुसल्ला भाई के चादर पर पैर रख दी और दौड़ते भाग के चली गई, उसको पता नहीं चला, दिखा नहीं। रिटर्न जब आई तो लड़की माफी मांगी कि मुसल्ला भाई माफ करना कि मैं देखी नहीं, आप नमाज पढ़ रहे थे, मैं आपके चादर में पैर रख के चली गई। तो मुसलमान भाई बोलता है मैं तो अल्लाह के प्यार में मग्न था, डूब गया था, उनको प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं उनके प्यार में डूबा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दिया, मगर तू तो देख सकती थी, तू तो अपने प्यार में भागे भागे अपने जा रही थी, इसलिए तू देख नहीं पाई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ड्रीम लाइफ में आप इतना डूब जाइए, इतना मग्न हो जाइए, इतना लगन से आप काम कीजिए, इतना डेडिकेशन के काम कीजिए कि आपको इसके सिवाय कुछ नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम 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 क्यों दिखता है, क्योंकि आप पूरा इस बिजनेस में भी डूब नहीं गए। अगर आप जिस दिन इस बिजनेस में पूरा डूब जाएंगे, पूरी लगन के साथ, सिर्फ ड्रीम लाइफ दिखने लगेगा, सिर्फ ड्रीम लाइफ आपके आमने सामने आगे पीछे दिलो दिमाग में हर जगह में ड्रीम लाइफ दिखने लगेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजेस, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा।
अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपने ड्रीम लाइफ एम्बेसस प्राइवेट लिमिटेड, अपने फैमिली में, और डूब जाएंगे आप। डूब जाइए, पूरा काम डूब के साथ कीजिए, पूरा गहराई में जाके काम कीजिए, पूरा दिल में उतार जाइए, पूरा दिमाग में उतार दीजिए ड्रीम लाइफ को, फिर कीजिए। मजा आएगा बिजनेस करने में, मजा आएगा, प्राउड होगा, मजा आएगा, पूरा एकदम बिंदास होगा, बिजनेस होगा, राइट। तो अपने काम में पूरा आपको डूब जाना है, उसके चीज उसके साथ। अपने काम में शर्म कभी ना करें, हमेशा बार बार हर लीडर सिखाता है आपको, मैं भी कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट। शर्म के बजाय कर्म पे लग जाइए। अरे कैसा शर्म आना है यार। एक देखना, आज के डेट में एक भिखारी भीख मांगने से शर्माता नहीं, अपने प्रोफेशन है, भीख मांगता है, राइट। कोई भी प्रोफेशन में जाइए, एक बिजनेसमैन चाहे वो गलत काम करता है, राइट, वाइन शॉप, वाइन शॉप में व्यक्ति रखता है, वो वाइन शॉप सेल कर रहा है, वो शर्म नहीं करता वो बेचने में, राइट। हम इस बिजनेस को करने में शर्म आ रहे हैं, इस बिजनेस को करने में हमको शर्म आ रहा है, हमको शर्म आता है कि मैं लोगों को इनवाइट कैसे करूं, हमको शर्म आता है लोगों को क्या बोलेंगे लोग, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग। याद रखना, अगर लोगों की बात सुनते रहोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे। तो शर्म कभी ना करें अपने बिजनेस को करने में, ड्रीम लाइफ करने में कभी शर्म मत कीजिए। अगर शर्म करेंगे तो कर्म पे ध्यान नहीं दे पाएंगे आप। अब बस कर्म पे ध्यान दीजिए, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस आपकी कदम चुमेगी। अपने काम काम को कभी शर्म नहीं करना है आपको। बहुत लोग शर्म करते हैं, मैं इनवाइट कर दूंगा, अगर ऐसा बोल देगा तो मेरी इज्जत डाउन हो जाएगा। क्या इज्जत है मार्केट में आज आपका? फिर अगर आप इज्जत की बात करते हैं, अगर आप इज्जत की बात कर रहे हैं, तो इज्जत क्या है आपका फिर आज? क्या बहुत बड़ा रेपुटेशन है आपका समाज में? बहुत बड़ा नाम है आपका? बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़ा आप मिलियनेयर हैं? आप नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है शर्म आपका? तो शर्म को कोसो दूर फेंको, कर्म पे ध्यान दीजिए आप। अपने काम से कभी शर्म मत कीजिए, राइट। अपने ड्रीम लाइफ से शर्म कभी मत कीजिए। जो भी आपका काम है, 5 basic work हमको सिखाया जाता है, लिस्ट बनाना, गोल सेटिंग करना, इनविटेशन करना, एसटीपी फॉलो अप, ज्वाइनिंग निकालना, ये काम को पूरा अपना भिड़ जाइए, अपने इसी कर्म पे ध्यान दीजिए, शर्म को कोसों दूर निकाल के फेंक दीजिए, राइट। उसके साथ साथ अपने काम को करियर मान के करें, बी सीरियसली, करियर मान के काम करना है यार। ये नहीं कि आप कर रहे हैं ड्रीम लाइफ, कर रहे हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो अच्छी बात है। अगर मेरे से हो गया तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो 2-4 महीना करके देखते हैं, 6 महीना करके देखते हैं, साल भर करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कुछ देखेंगे। अगर आपके पास लाइफ में ऑप्शन है कि मैं दूसरा कुछ देख लूंगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो वो कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, आप ना ये कर पाएंगे, ना वो कर पाएंगे, ना ऐसा नहीं कर पाएंगे, ना वैसा नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज पे फोकस कीजिए, सिर्फ एक चीज में। अगर हाँ, अगर आपको पढ़ना है ना, मैं आपको मना नहीं करता, पढ़िए, पर ऐसा पढ़िए, सर टॉप कीजिए अपने स्कूल का, आपके जैसा पढ़ने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपको मान के चलिए अच्छा पढ़ाई में करियर आना है, तो बनाइए करियर। आपको लगता है अगर पढ़ाई में करियर बन जाएगा, मैं यूपीएससी पीएससी फाइट कर लूंगा, मैं अच्छी बड़ा बड़ा जॉब में जा सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ प्रोफेशन में, तो बिल्कुल उसी काम को अच्छे से कीजिए। अगर आपको लगता है तो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मेरे को मेरा फैमिली बिजनेस है, या मैं कहीं और छोटी मोटी काम करके अच्छी करियर बना लूंगा, उसमें बड़ा जो लाइफ में ड्रीम है, सपने पूरा हो जाएंगे, तो वही कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, अदर जगह में कुछ नहीं हो सकता, अगर जो मेरे को सक्सेस चाहिए, जो गाड़ी बाड़ी, देश विदेश, बैंक बैलेंस, नाम इज्जत, पैसा, वो अदर जगह से नहीं मिल सकता, ना कोई एजुकेशन में, ना कोई बिजनेस में, ना कोई प्लेटफॉर्म, ना कहीं पे, एक ही जगह मिल सकता है, पॉसिबल है, तो ड्रीम लाइफ है। ड्रीम लाइफ में अगर पॉसिबल है, मैं बोलता हूँ ड्रीम लाइफ में इतना मेहनत कीजिए, सीबीसी में पूरा छोड़ दीजिए अपना करियर को। करियर बनाने के लिए क्या चाहते हैं? 3 से 5 साल, हमेशा बोलते हैं हमारे लीडर, हमारे सीनियर बोलते हैं 3 से 5 साल, तो आपको करियर मान के, पूरा करियर लगा के आपको करना है। अपने काम को करियर मान के करें, भी सीरियसली करें। और सीरियसली किसको बोलते हैं यार? सीरियसली अगर आप करेंगे, आज मैं आपको बोलूं, जो सीरियसली काम करता है
उसका रिजल्ट सामने होता है, और जो नहीं करता उसका रिजल्ट दिखता भी नहीं। तो बी सीरियसली कीजिए, आप सीरियस हो गए ना तो मैं बोलता हूं आपका काम होगा नहीं, बहुत तेजी से होगा। और सीरियसली नहीं है तो काम जैसा हो रहा है वैसे होते रहेगा। तो सीरियसली होना है आपको। उसके साथ साथ अपने बिजनेस को ज्यादा ज्यादा फैलाएं। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दोस्तों, एमएलएम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। नेटवर्क मतलब क्या, पहले देखिए मार्केटिंग बाद में आता, पहले नेटवर्क। सर ने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला था इंडिया ग्रुप में, आपने देखा होगा, मिस्टर सोनू शर्मा सर का, अशोक सर ने बहुत अच्छा वीडियो डाला था, राइट, मैंने देखा। नेटवर्क मार्केटिंग देखिए, पहला आता है नेटवर्क, फिर होता है मार्केटिंग, सही ना। तो हमको नेटवर्क बड़ा करना है बिजनेस में, नेटवर्क बड़ा कीजिए, क्योंकि नेटवर्क फैलाइए। आपका बिजनेस आप गांव एरिया में चल रहे हैं तो उसको ब्लॉक स्तर में लेकर आइए, अगर आपका बिजनेस ब्लॉक में चल रहा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट स्तर पे लेकर आइए, अगर आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो उसको स्टेट लेवल पे लाइए, अगर आपका बिजनेस स्टेट छत्तीसगढ़ में चल रहा है तो उसको अदर स्टेट में लेकर आइए। मतलब क्या, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा, नेटवर्क फैलाना पड़ेगा, बिजनेस को नए नए एरिया में डेवलप करना पड़ेगा, नया नया पॉकेट जनरेट करना पड़ेगा, नया नया सिटी में बिजनेस करना पड़ेगा। एक ही सिटी में बिजनेस करके आप बोर हो जाएंगे दोस्त, एक ही सिटी में बिजनेस करने से मजा नहीं आता। एक ही सिटी में बिजनेस करने से, मैं अपनी बात करूं तो मैं आज से 4 साल पहले अपने काम की शुरुआत किया था अपने गांव से, राइट, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं, वहां से मेरा 20-25 किलोमीटर दूर जंगल इलाका में गांव होता है, वहां से मैं बिजनेस की शुरुआत किया था। धीरे से मैं अपने ब्लॉक स्तर में लेकर आया बिजनेस को, बलौदा एक जगह है, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर आया जांजगीर चांपा, उसके बाद मैं थोड़ा सा अदर डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस किया, रायगढ़, खरसिया, गरगोड़ा, उसके बाद मैं अदर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बिजनेस किया, उसके बाद अदर स्टेट में बिजनेस निकल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या, बिजनेस एक जगह नहीं होता, बिजनेस नेटवर्क करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क फैलाना पड़ेगा, अदर अदर जगह में नेटवर्क बनाना पड़ेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक लेवल पे, हर एक स्टेट में आपको नेटवर्क अपना स्तंभ को मजबूत करना पड़ेगा, नेटवर्क फैलाना पड़ेगा, तब जाके नेटवर्क बनेगा, तभी मार्केटिंग होगा अच्छे से, राइट। तो अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट में अलग अलग शहर में बिजनेस को बिल्ड करें आपका, तब अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगा। आपको लगता है कि एक ही जगह बिजनेस करके मेरा फोर व्हीलर अचीवमेंट हो जाए या मेरा अच्छा लेवल, बड़ा इनकम आ जाए मेरा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर आपको अच्छी आज अपने आप अपने सीनियर लीडर को देखिए, हमारे सीनियर लीडर बहुत सारे हैं, प्रेरणा सिन्हा मैडम है, ठगेश्वरी मैडम है, सोना मैडम, तमेश्वर सर है, अशोक सर है, गिरीश सर है, सूर्यकांत सर है, इतने सारे टॉप टॉप लीडर्स हैं हमारे ड्रीम लाइफ के, राइट। इनका बिजनेस एक जगह नहीं है, इनका बिजनेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, अलग अलग ब्लॉक में है, अलग अलग जगह में है, अलग अलग स्टेट में है, तब जाके बड़ा जो नेटवर्क बना है, तब जाके बड़ा चेक आता है, बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, बड़ा इनकम ले पा रहे हैं, राइट। तो आपने बिजनेस को एक अलग अलग जगह में फैलाइए, नए नए एरिया को, पॉकेट को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचिए। आपका बिजनेस आप जिस जगह में वहां से नहीं हो रहा है यार, तो वही जगह में थोड़ी है, वही जगह में आपका किस्मत थोड़ी मार, क्या पता वही जगह आपका किस्मत फूटा हुआ है, कोई अगर बाहर निकलेंगे तो क्या पता किस्मत चमके आपका, क्या पता आपका वहीं पे आपका जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां से आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, तो गारंटी ये थोड़ी है यार कि वहां नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होगा। आप अदर जगह में ट्राई कीजिए, अदर स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट में ट्राई कीजिए, अदर ब्लॉक में ट्राई कीजिए, अदर जगह में लाइए आप बिजनेस को, नेटवर्क को फैलाइए, अदर जगह से आप बिजनेस को निकालिए, देखिए आपका बिजनेस कैसे बड़ा नेटवर्क बनेगा और बड़ा मार्केटिंग आप फिर कैसे करेंगे, राइट। तो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा आपको फैलाना है, अलग अलग एरिया में आपको लेके जाना है, अलग अलग पॉकेट आपको बनाना है।